बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में हम लोग चतुर्दशा पाठ अह आह च, ये संस्कृत में हम लोग चतुर्दशा पाठ को की अभ्यास पुस्तिका करेंगे। और अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों में जो खाली जगह दिया हुआ है उसे उचित पदों द्वारा पूरा किया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अह आह च पाठ से प्रश्नोत्तर अभ्यास पुस्तिका का। तो रुचिरा, प्रथम भाग अभ्यास पुस्तिका निकालना है। पाठ चतुर्दशा पाठ 14वां पाठ है ये। और इसमें पहला प्रश्न दिया है, क्रिया पदानाम परिचय दीयताम, क्रिया पदों का पद परिचय दो। यहाँ पर पद लिखा हुआ है और जब विभक्ति लग जाती है, प्रत्यय लग जाता है, तो वो पद कहलाता है। और इसमें धातु, मूल धातु किससे वो बना है, मूल धातु उसमें क्या है वो लिखना है, लकार और वचन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, उत्तर एक लिखेंगे। और उत्तर एक में सबसे पहले पदम यहाँ पे दिया हुआ है, ये शीर्षक डला है, और फिर धातु है, और फिर लकार है, और फिर वचनम। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले आसीत का लिखना है, और आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, और एक वचनम है। दूसरा है चिंतयति, चिंत है मूल धातु, मूल धातु है चिंत, और लट लकार है, और एक वचनम, एक वचनम। पश्यति, यहाँ पर पश्यति है। तीसरा हम लोग लिखेंगे पश्यति, और पश्यति में यहाँ पे मूल शब्द है दृश, दृश का अर्थ होता है देखना, और ये लट लकार है, एक वचनम। और अब है यहाँ पे प्राप्स्यति, प्राप्स्यति में यहाँ पे प्राप और ये लट लकार है, एक वचनम। यहाँ पे लिट लकार है। और अब जो है यहाँ पे कथयति, कथयति में यहाँ पे कथ है, कथ मतलब कहना होता है, और ये लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है ये, और कथयति में भी एक वचन है, एक वचनम। और ददामी, ददामी जो है दा धातु है, दा का अर्थ होता है देना, और ये लट लकार का है रूप, और ये भी है एक वचनम, उत्तम पुरुष एक वचन है ये। और आगच्छति,
गम धातु है इसमें और लट लकार एक वचन है। लट लकार एक वचनम। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने पहले प्रश्न का उत्तर किया है और अब हम लोग करेंगे दूसरे प्रश्न का उत्तर। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है वो है पाठम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन दीयताम। पाठम पठित्वा, पाठ पढ़कर प्रश्नानाम उत्तराणि, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पदेन दीयताम, एक पद में दो, एक पद में यानी कि एक शब्द में। तो यहाँ पे क ख और ग तीन तरह के यहाँ पे प्रश्न हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क करेंगे, तो उत्तर दो हम लोग करने जा रहे हैं और उसमें तीन तरह का प्रश्न पूछा गया है और प्रश्नों को समझते हुए उसका सही उत्तर लिखा जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न दो। उत्तर दो यहाँ पे करेंगे और उसका क क में है। पहला प्रश्न है क में, अजीज कस्य सेवायाम लीन आसीत। अजीज किसकी सेवा में लीन रहता था अर्थात लगा रहता था, तो स्वामी। और दूसरा प्रश्न है अजीज काम सर्वाम व्यथाम श्रावयति। अजीज किसको पूरी अपना दुख, अपना सारा दुख किसको सुनाता है, तो वृद्धा। दूसरे में आ जाएगा वृद्धा। और तीसरा है पेटिकायाम के मासित। तो यहाँ पर लघु पात्र द्वयम्, पेटी में क्या था, दो पात्र थे, लघु पात्र द्वयम्। और चौथा है द्वितीय पात्रात का निर्गच्छति, दूसरे पात्र से क्या निकलती है, तो अन्यामक्षिका। जो चौथा प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा अन्यामक्षिका, दूसरी मक्खी निकलती है। और अब इसका ख हम लोग करेंगे और ख का उत्तर हम लोग यहाँ पे करेंगे एक वाक्य नुतरत, एक वाक्य में उत्तर दो। तो यहाँ पे दो प्रश्न पूछा गया है, स्वामी अजीजम किम कथयति, स्वामी अजीज से क्या कहता है। स्वामी अजीजम कथयति, स्वामी अजीजम कथयति अहम तुभ्यम अवकाशस्य अवकाशस्य सर्वं धनं दास्यामि। और ये ख का पहला है और अब हम लोग दूसरा करेंगे। यहाँ पे ख का दूसरा करेंगे, अजीजः वस्तु द्वयम् आनेतुं किं किं करोति। आकाशं प्रेक्षति जनानां प्रेक्षति
इतः ततः भ्रमति। अब है यहाँ पे ग निर्देशानुसारम, निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। तो यहाँ पे पहला है सेवायाम इत्यत्र का विभक्ति, सेवायाम इसमें कौन सी विभक्ति है, तो ग का उत्तर हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ग का पहला है सेवायाम इत्यत्र का विभक्ति, तो यहाँ पर हम लोग चुनेंगे सेवायाम में सप्तमी विभक्ति है, षष्ठी तृतीया द्वितीया ये विकल्प दिया गया है, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, तो पहला वाला विकल्प चुनेंगे सप्तमी। और दूसरा यहाँ पे ग का प्रश्न है ग्रहिष्यति इत्यत्र कह लकार है, तो लिट लकार है यहाँ पे, तो चारों लकार में से हम लोग दूसरे का तीसरा चुनेंगे, तीसरा उत्तर लिट लकार है। और तीसरा है सह चिंतयति इत्यत्र सह सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, तो स्वामी ने स्वामी के लिए प्रयुक्त है, तो इसमें हम लोग पहला विकल्प चुनेंगे स्वामी ने। और चौथा प्रश्न है इसमें श्रुत्वा इत्यत्र कह धातु, तो श्रु धातु है श्रुत्वा में, तो चौथे का पहला विकल्प है श्रु। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा प्रश्न पूरा किया और अब हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हम लोग करेंगे यहाँ पे लिट लकारस्य रूपैः वाक्यानि पूर्यत, भविष्यत काल लिट लकार की धातुओं से वाक्य पूरे करें, तो यहाँ पे उत्तर तीन हम लोग करेंगे। उत्तर तीन का पहला प्रश्न है सह आकाशम, और दृश धातु है तो द्रक्ष्यति बनता है, तो यहाँ पे द्रक्ष्यति हो जाएगा। और दूसरा है सह परिश्रमस्य धनम नैव, यहाँ पर प्र और आप लगाकर प्राप्स्यति। तो पहले में द्रक्ष्यति भरना है, दूसरे में सह परिश्रमस्य धनम नैव प्र और आप धातु है प्राप्स्यति। और तीसरे में अहम तोभ्यम सर्वम धनम और दा धातु है दास्यामि, दास्यामि मतलब दूंगा। लिट लकार के प्रयोग से वाक्य को पूरा करना है। और अब है यहाँ पे चौथा एक का वृथा मिल धातु है, मिल का अर्थ होता है मिलना, तो मिलिष्यति। और पांचवा है स्वामी उच्चैः वद धातु से वदिष्यति। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे तीसरा प्रश्न हो गया वदिष्यति। और चौथा प्रश्न में प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो, अजीजः परिश्रमी आसीत, यहाँ पर
चौथा प्रश्न है, तो प्रश्न बनेगा अचीजः कीदृशः आसीत, और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और दूसरे में यहाँ पर सह गृहं गन्तुम् अवकाशं वांछति, तो सह गृहं गन्तुम् कं वांछति, सह गृहं गन्तुम् कं वांछति। और तीसरा है, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज के लिए धन देने देना नहीं चाहता था, तो स्वामी स्वामी कस्य धनम दातुम न इच्छति। यहाँ पर स्वामी तीसरा हम लोग करेंगे, स्वामी कस्मै धनं दातुं न इच्छति, और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और चौथा है, अजीजं दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, तो कम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, चकितः भवति। और पांचवा है, पेटिकायां कस्याम लघु पात्र द्वयम् आसीत्, तो कस्याम लघु पात्र द्वयम् आसीत्। और प्रश्न चिन्ह, और पांचवा यहाँ पे, और छठा यहाँ पे प्रश्न बनेगा, अजीजः सफलः आसीत्, तो कः सफलः आसीत्, कौन सफल था। तो इस तरह से यहाँ पे चौथा प्रश्न हुआ। और अब हम लोग करेंगे पांचवा प्रश्न, और पांचवें प्रश्न में हम लोग यहाँ पे शुद्धम प्रत्ययम चुनुत, सही प्रत्यय चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले में चुनेंगे, पहले में गंतुम में तुमुन प्रत्यय है, तो दूसरा विकल्प चुनेंगे तुमुन। दूसरा है चिंतित्वा, तो इसमें जो है प्रत्यय वो है कत्वा। और तीसरे में श्रुत्वा है, तो कत्वा प्रत्यय है इसमें भी, और कत्वा इसमें पहला विकल्प है, पहला विकल्प कत्वा। और चौथा है आनेतुम, यहाँ पर तीसरा विकल्प है तुमुन। और प्रश्न छः में शुद्धम संधि छेदम चिनुत, शुद्ध संधि विच्छेद चुनना है। तो उत्तर छः में जो सबसे पहला दिया हुआ है इसमें नैव है, न धन एव होता है, तो चौथा विकल्प सही है न धन एव। और इसमें दूसरा विकल्प है को अपि, कह अपि होता है, तो पहला विकल्प चुनेंगे हम लोग कह धन अपि। और तीसरा यहाँ पे प्रश्न जो दिया है अत्युच्चैः, अति उच्चैः है, तो दूसरा विकल्प हम लोग चुनेंगे अतिधन उच्चैः।
उच्चैः। और चौथा प्रश्न है यहाँ पर एतद अर्थम, तो एतत् एतद अर्थम, एतत् अर्थम। यहाँ पर हम लोग पहला विकल्प लेंगे एतद अर्थम। एतद अर्थम। और अब है यहाँ पर सातवां प्रश्न हम लोग करेंगे यहाँ पे उत्तर सात। और उत्तर सात में मिलाना है विशेषण विशेष पदानि मेलयत, विशेषण विशेष पदों को मिलाना है। तो यहाँ पर हम लोग परिश्रमी को मिलाएंगे अजीजह से, और इसी तरह से चतुरह को मिलाएंगे स्वामी से, चतुरह। स्वामी और सर्वम, सर्वम धनम, एका वृद्धा, सर्वाम व्यथाम, एकम लघुपात्रम, अन्य मक्षिका, पीड़ितः सः। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी प्रश्नों का उत्तर किया, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।